आहार जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त को बढ़ाए। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा भोजन से मिलती है, उसी तरह मस्तिष्क को भी अच्छी तरह काम करने के लिए ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। कुछ भी खाने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो खाते हैं उसका असर आपके दिमाग और याददाश्त पर पड़ता है। अच्छे खाने से जो दिमाग स्वस्थ और तेज बनता है, और क्योंकि खाने का याददाश्त से एक रिश्ता है। बर्मिंघम हॉस्पिटल में एक खाने और याददाश्त के बीच संबंध को जानने के लिए महिलाओं पर एक रिसर्च हुई थी। जो महिलाएं सैचुरेटेड फैट जो बहुत खाती थी, उनकी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता उन महिलाओं से कम पाई गई जो इस तरह के फैट को कम या नहीं लेती थी। तो ये तो एक शोध में पता चला ही है कि ऐसा खाना जो आपके सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जिस तरह आपके दिल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस तरह के खाने से तो दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि याददाश्त भी कई खाद्य पदार्थ याददाश्त और ब्रेन के लिए लाभदायक भी है। ब्रेन ही शरीर के अंगों को सिग्नल भेजता है, तभी वह प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो इसलिए हमको अपने खाने पर तो ध्यान देना जरूरी है, पर हम क्या खाएं इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि जैसे पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल, फूल गोभी, या फिर सफ़ेद के अलावा रंगीन और भी फूल गोभी आती है। इनमें दिमाग को तेज करने वाले बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड और विटामिन समेत कई पोषक तत्व हैं, जो कई शोधों से पता चला है कि पेड़ पौधों से मिलने वाले तत्व याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। तो आप कितना खाएं? प्रतिदिन आधा कप, इतना तो खाना ही है रोज। अधिक के लिए मैं कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है, बस निश्चित मात्रा में प्रतिदिन आपको इस तरह चीज़ें आहार में मिले। दूसरा, नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड के अंदर कई खनिज तत्व, विटामिन ई और आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि हमारे दिमाग की हेल्थ को बेहतर, फंक्शन को भी बेहतर बनाते हैं। अखरोट में, फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ऐसे ही सूरजमुखी के बीज में कई विटामिन ई है। कद्दू के बीज में बहुत सारे खनिज तत्व हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड्स, ऐसे जितने भी सीड्स हैं सबके अंदर है। लेकिन जो आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है तो 15 से 30 ग्राम, और सीड्स लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चौथाई कप प्रतिदिन ले लें, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब मैं आपको बोलूँगी टमाटर। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, और यह एक ऐसा सशक्त कंपाउंड है जो ब्रेन आपको अल्जाइमर्स ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम है ब्रेन की, उनसे तो दूर रखता ही है, ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा बढ़ाता है। तो अब आपको उसमें कितना खाना है? 3 से 4 टमाटर। इतना रोज खाते हैं, सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में, किसी भी रूप में खाएं, तो वह आपकी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखेगा। और लेकिन हाँ, अगर कच्चा खाते हैं तो भी अच्छा है, और सलाद के रूप में खाते हैं तो भी, मतलब सब्जी के रूप में खाते हैं तो भी अच्छा है, पर विटामिन सी नष्ट हो जाएगा गर्म करने के साथ। चौथे नंबर में बोलूँगी साबुत अनाज और बीन्स। साबुत अनाज में विटामिन ई होते हैं, और बीन्स डार्क कलर के होते हैं, जैसे कि आप लोग राजमा खाते हैं या डार्क बीन, और भी जो आती है वो जो भी खाते हैं, वो आप उसके अंदर भी विटामिन ई है जो तंत्रिकाओं की हेल्थ को बेहतर रखता है। तो साबुत अनाज और बीन्स जरूर अपने आहार में थोड़ी मात्रा में 40 ग्राम 50 ग्राम की मात्रा में अपने आहार में शामिल करें। इसके बाद बेरीज। बेरीज सचमुच लाजवाब है।
जितनी भी तरह के स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, जामुन, जो भी ऐसे फल आते हैं जो डार्क कलर के हैं, उनके अंदर फ्लेवोनाइड्स हैं और ये आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत बेहतर बनाते हैं, आपकी याददाश्त को बढ़ाते हैं। इसलिए जो भी मौसम में जो भी आ रहा है, आप ज़रूर इस तरह के फलों का प्रयोग करें। ऐसा बोलते हैं ना कि एक एप्पल खाने से डॉक्टर दूर रहता है, ऐसे ही ये आपको, आप आधा कप केवल खाएं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा है तो आप बहुत सारा खाएं, आधा कप बस इतना पर्याप्त है। तो अगर आप इन्हें खाएंगे तो ब्रेन की हेल्थ बेहतर होगी। इसके बाद में बोलूँगी डार्क चॉकलेट, जो खाने में तो मज़ेदार है लेकिन ब्रेन के फंक्शन के लिए और भी मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत थोड़ी खानी है। ऐसा नहीं है कि अच्छी है तो आप बहुत खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और कैफीन है, जो ब्रेन की हेल्थ को बहुत तेज बनाता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में खाएं, क्योंकि इनके अंदर शुगर भी है, फिर आपका जो चॉकलेट बनती है उसमें बटर भी है, तो बहुत अधिक मात्रा नहीं लेनी है, थोड़ी मात्रा। ऑलिव ऑयल, टूना, सालमन मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इसको जरूर लें, टूना और सालमन मछली भी, और जो नहीं खाते हैं वो ऑलिव ऑयल ले लें, क्योंकि इनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो, ये दोनों हैं जो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ट्रांस फैट, और जो अभी हमने पहले बताया बर्मिंघम में जो रिसर्च हुई थी वो ट्रांस फैट था और सैचुरेटेड फैट था, जो आपके ब्रेन की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा था। तो ये दोनों, इसके अंदर ये दोनों जो चीज़ पाई जाती है वो बहुत अच्छी है। हल्दी, हल्दी तो सुपर फूड है, क्योंकि ये अल्जाइमर्स अवसाद के खतरे को रोकती भी है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन है, और उसके अलावा मस्तिष्क की सेल में वृद्धि भी करती है। इसलिए, लेकिन इसकी कितनी मात्रा लें ये डॉक्टर से आप जरूर पूछ के लें, अपने मन से नहीं लें, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं जानी है। और इसके अलावा एक अंडा पर्याप्त है, अंडे के अंदर प्रोटीन के साथ साथ आपके इसमें फॉलिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन 12, विटामिन 9, ये B6 है, B12 है, B9 है, जो फॉलिक एसिड भी कहलाता है B9, ये आपकी ब्रेन की हेल्थ को बेहतर रखता है, मस्तिष्क को सिकुड़ने से रोकता है। तो इसलिए इसकी भी एक ही बस पर्याप्त है, लेकिन ये भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि पूरा अंडा जिसके अंदर पीले भाग के अंदर जो हार्ट के लिए नुकसानदायक है, तो वो आप ज़रूर डॉक्टर से पूछ के लें। इसके बाद मैं बोलूँगी ग्रीन टी व कॉफ़ी, इसके अंदर अमीनो एसिड है जो तनाव और चिंता को दूर करता है। तो आपने देखा, लेकिन कोई भी चीज़ इसके अंदर मैं बोलूँगी कि कॉफ़ी या ग्रीन टी भी लेते हैं तो ग्रीन टी भी 2 बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 बार भी लेते हैं तो भी पर्याप्त है। और कॉफ़ी भी ऐसा ही है, अगर आप स्ट्रॉन्ग पीते हैं या दूध डाल के पीते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। आप जो भी चीज़ ले रहे हैं थोड़ी मात्रा में, और उसको उसी रूप में लें जिस रूप में आपको लाभदायक लाभ पहुंचाती है। तो आपने देखा कि इस तरह के आहार को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। जो कुछ आप खाद्य पदार्थ इन अपने भोजन में शामिल करेंगे वो आपके ब्रेन की हेल्थ को अच्छा बनाएगा, ब्रेन फंक्शन को, क्योंकि याददाश्त तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होती है। अगर शुरू से इस तरह का आहार लिया जाए तो ज़रूर आप पाएंगे कि आपकी ब्रेन की हेल्थ अच्छी हो रही है, याददाश्त या पार्किंसंस और ये अवसाद, ऐसी बीमारियों से आप बचेंगे। और बच्चों के लिए भी फ्रूट्स, नट्स, इसके अलावा सीड्स और साबुत अनाज, ये जरूर बच्चों को जरूर रोज़ दें। हरी सब्जियां, टमाटर, जो उनके ब्रेन पावर को बढ़ाए। पढ़ाई के लिए याददाश्त का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।